अगर मैं आपसे प्रीमियमनेस और पावर की बात करूं, और वो भी मैं बोलूं कि हमें बस में ये दोनों चीज़ें एक साथ मिल सकती हैं, क्या आप मेरी बात मानेंगे? नहीं ना, लेकिन आज माननी पड़ेगी। मेरे साथ है SML की एग्जीक्यूटिव एलेक्स, जो सिर्फ नाम में ही एग्जीक्यूटिव नहीं, काम में भी एग्जीक्यूटिव है। नमस्कार, मेरा नाम है फैज़ मिराज और आप देख रहे हैं 91 ट्रक्स। इससे पहले मैं ये वीडियो शुरू करूं, मैं मनोज सर और अनिल सर इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने हमें ये वीडियो बनाने की परमिशन दी, इजाज़त दी। ऐसे ही बसेस के लिए, ट्रक्स के लिए आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम डिटेल्स दे देंगे। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसके फ्रंट फेशिया की बात करूं, तो जो फ्रंट फेशिया है ना, वो धमाकेदार है। क्यों? क्योंकि विंडस्क्रीन, विंडशील्ड बहुत ही तगड़ी, बहुत ही सॉलिड है। अगर मैं अंदर बैठा था तो मुझे लग रहा था कि मैं सब चीज़ें देख पा रहा हूँ लिटरली। और मैंने टाटा की बसेस भी कवर करी, अलग अलग ब्रांड्स की बसेस कवर करी, लेकिन ऐसी तरीके की विंडशील्ड मैंने अभी तक फ़िलहाल नहीं देखी है। तो क्यों, ये प्रीमियम की एक मिसाल है, बिल्कुल सही कहा गया है। इसके अलावा अगर इसके मैं वाइपर्स की बात करूं, तो क्रिस क्रॉस वाइपर्स हैं। क्रिस क्रॉस मतलब वाइपर्स ऐसे चलते हैं, ज़्यादातर बसों में, ट्रकों में वाइपर एक डायरेक्शन में दोनों एक साथ वाइपर चलते हैं, लेकिन इस बस में क्रिस क्रॉस वाइपर है। SML की यहाँ पे आपको बैटरी दिख जाएगी क्रोम फिनिश में, काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एलेक्स दिखाएगा, यहाँ पे एक जाली छोड़ी गई है हवा के लिए, ताकि हवा आराम से आए। तो एक और चीज़ जो अट्रैक्टिव है ना, वो ये है इसके जो हेडलाइट का डिज़ाइन, कितने स्लीक, कितना बढ़िया, कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। इसके अलावा नीचे की तरफ आपको एक फॉग लैम्प भी कंपनी प्रोवाइड करती है, ये बहुत तगड़ी बात है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 3M की टेपिंग भी दिख जाएगी वाइट कलर में। अब अगर मैं आगे बढ़ूं और इसके बारे में बताऊं, उससे पहले SML सारथी प्रो की टेक्नोलॉजी के साथ ये बस आती है। BS6 बस है, SLT HT6 का इंजन जो हमें देता है 315 Nm का टॉर्क, और पावर की बात करूं तो 107 BHP की पावर विद दिस प्रीमियमनेस, बहुत ही कम बसों में आती है। इसीलिए SML बसों की तुलना में बाकी ब्रांड से कहीं आगे है। अगर इसकी मैं टायरों की बात करूं, तो 8.25 × 16 PR के टायर हमें देखने को मिल जाते हैं। व्हील बेस इसका मिलता है हमें 42-40 mm, यानी 4,240 mm के व्हील बेस के साथ ये बस हमें देखने को मिलती है। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको लगता जाएगा कि क्यों ये बस खास और प्रीमियम है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिख जाएगा, इसके नीचे आपको रिफ्लेक्टर नज़र आ जाएगा। 3M की येलो में पूरी बढ़िया सी फिनिश दे रखी है। इसे हटा के आप स्टेपनी निकाल सकते हैं, स्टेपनी साइड में ही दी गई है, कोई भी आपातकालीन स्थिति हो ड्राइवर आराम से स्टेपनी निकाल सकता है। अमूमन क्या होता है AC वाली बसें जिसमें CNG हो, तो लोग सोचेंगे यार ये तो पहाड़ पे चढ़ पाएगी क्या, थोड़ी सी हिली एरियाज़ में, लेकिन ये बस टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है एक ऐसी जो बहुत ही खास है। आइए जानते हैं वो टेक्नोलॉजी है क्या, लेकिन उससे पहले वो जाने, ये आपको लाइट दिख जाएगी, अभी ये थोड़ी गंदी हो रखी है क्योंकि बारिश हुई है तो मिट्टी चिपकी है, लेकिन क्या फिनिश के साथ आई है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कमाल का बूट स्पेस भी मिलता है, आप अपना बैग वगैरह या कोई भी सामान डाल सकते हैं यहाँ, क्योंकि ये स्कूल बस है, अभी पीले रंग की है। स्टाफ बस भी आती है जो सफ़ेद रंग की होती है। यहाँ आपको लाल कलर में रेड टेपिंग दिख जाएगी। इसके अलावा जो मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ वो है CNG टर्बो। CNG टर्बो क्या है? CNG टर्बो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बस को पिकअप की पावर देता है, साथ ही साथ एवरेज भी सुधारता है। तो SML की इस बात पे दाद देनी पड़ेगी। अब अगर मैं धीरे धीरे आगे आता जाऊँ, तो यहाँ पे इस तरफ आपको इमरजेंसी एग्जिट मिलेगी, तो यहाँ पे आपको फुटस्टेप नज़र आएगा, आप उतर भी सकते हैं, चढ़ भी सकते हैं, बहुत ही आसान, और जो भारत सरकार की तरफ से मैंडेटरी है बसों में इस तरह का इमरजेंसी एग्जिट होना। अब धीरे धीरे मैं चलता रहूं, तो ये बस AC में अवेलेबल है। आप देखोगे कि अंदर जब आप जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि यार बच्चों का ख्याल तो रखा ही गया है, लेकिन ड्राइवर का भी बहुत बढ़िया तरीके से ख्याल रखा गया है। अब यहाँ पे मेरे जैसे इंसान के लिए चढ़ना बहुत ही आसान है, लेकिन इससे पहले मैं चढ़ूँ, इसकी फ्यूल कैपेसिटी के बारे में आपको बता दूँ। 6 सिलेंडर के साथ CNG में ये बस आती है, डीजल में भी आती है, अभी ये CNG वाली है। उसमें हमें 12 किलो की कैपेसिटी मिल जाती है, लेकिन फिलिंग होती है 9 किलो की, तो कुल 54 किलो की फिलिंग हो जाती है इस बस में फ्यूल में CNG में। अब मैं अगर इस बस में अंदर चढ़ूँ, तो अंदर चढ़ने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे लिए चढ़ना कितना आसान है। मेरी हाइट 5'11" के करीब है, बस मैं एक कदम रखूँगा और बहुत ही बेहद ही आसानी तरीके से मैं चढ़ जाऊँगा। अभी देखिए, तो इसमें मैं जैसे ही चढ़ता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरे सामने बहुत बढ़िया सा व्यू आ गया। आप देख सकते हैं कि विंडस्क्रीन कितनी बढ़िया, कितनी मैसिव है। अब मैं अगर इसके फीचर्स की बात करूँ, तो फीचर्स शुरू यहीं से हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर इधर की तरफ मिलता है, लेकिन इस बस में ये बॉटल होल्डर इधर की तरफ आ रहा है। यहाँ पे आपको डोर हैंडल मिल जाएगा, यहाँ आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगा, बैटरी कट आउट स्विच मिल जाएगा,
हेडलाइट का आपको लेवल कितना रखना है यहाँ पे आपको उसका स्विच मिल जाएगा, फॉग लैम्प का स्विच आपको यहाँ मिल जाएगा। एक्सेलेरेटर, ब्रेक, क्लच। ब्रेक की बात करूँ तो डुअल सर्किट एस कैम फुल्ली एयर ब्रेक्स के साथ ये बस हमें देखने को मिलती है, और क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी भी एक नंबर टॉप नॉच रखी गई है। अब इस बस के अंदर चलते हैं और आइए देखते हैं इस बस में अंदर ऐसा क्या खास है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फैज़ यार आपने गेट के बारे में तो बताया ही नहीं, तो गेट इसका बहुत ही खास है, बाहर से तो इसको आप खोल ही नहीं सकते, सिर्फ ड्राइवर इसको खोल सकता है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा के। तो सबसे पहले मैंने ऑन करा SML का शानदार सी एक आपको लोगो आके दिखेगा, बिल्कुल बढ़िया सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के साथ हमें ये दे रहा है, और बस मुझे ये बटन दबाना है और ये बटन दबाते ही गेट बंद हो जाएगा। ये देखिए, और ये बटन दबाते ही गेट खुल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे तरीके की चीज़ें इस बस में दे रखी हैं। यहाँ रूफ लाइट का बटन दिख जाएगा, यहाँ इमरजेंसी का बटन दिख जाएगा, यहाँ फुटस्टेप लाइट का बटन दिख जाएगा, यहाँ फैन का बटन दिख जाएगा, ओपन डोर का मैंने आपको करके दिखाई दिया, यहाँ तीन अलग स्पेयर बटन भी दिए गए हैं ड्राइवर की सुविधा के लिए। और एक और चीज़ जो मेरी नज़र जिस चीज़ पे पड़ी, जो गाड़ी वाली फिनिश है, जो एक लग्जरी गाड़ी है, जो प्रीमियम गाड़ियों में आजकल दिया जाता है, कि जो LED स्क्रीन है लगभग, कि देखिए कितनी शानदार, कितनी बढ़िया क्वालिटी और कितना बढ़िया फिनिश के साथ ये हमें मिलता है। यहाँ पे आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए भी एक पोर्ट दिया हुआ है, अपना ड्राइवर वगैरह अपना आराम से चार्ज कर सकता है। यहाँ पे एक इमरजेंसी का बटन दिख जाएगा। गियर की बात करूँ तो सिंक्रोमेश टाइप का गियर बॉक्स मिलता है हमें, 6 गियर कुल हमें मिलते हैं, 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स के साथ ये बस हमें देखने को मिलती है। ड्राइवर की सुविधा के लिए यहाँ पे भी एक मिरर बनाया गया है। अब मैं यहाँ पे बैठ के पीछे तक देख पा रहा हूँ कि क्या हलचल, क्या गतिविधि हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे सनवाइजर आजकल इसी डिज़ाइन में आते हैं। बस एक मैं गुजारिश करूँगा SML से, और मुझे लगता है SML आने वाले समय में भी इसमें भी ज़रूर सुधार करेगी, कि को ड्राइवर की तरफ भी एक सनवाइजर ज़रूर होना चाहिए तो बढ़िया रहता। इसके अलावा जब मैं इस बस को बंद करता हूँ तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि मैं ऑल ब्लाइंड स्पॉट्स आर कवर्ड, कि आप देखोगे कि यहाँ से भी मैं देख सकता हूँ, यहाँ से भी मैं देख सकता हूँ, इधर से भी देख सकता हूँ मैं, उधर से भी देख सकता हूँ, हर जगह से मैं देख सकता हूँ। ड्राइवर की सुविधा के लिए अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे स्पेस दिया गया है, कोई सामान वगैरह हो, कुछ भी रखना हो तो आराम से रख सकते हैं। यहाँ पे आपको पंखे नज़र आ जाएगा ड्राइवर के लिए, यहाँ पे आपको AC का वेंट नज़र आ जाएगा, यहाँ आपको लाइट नज़र आ जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स इस बस में देखने को मिलते हैं। को ड्राइवर का भी पूरा ध्यान रखा गया है, यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी यूटिलिटी स्पेस दी गई है, यहाँ पे भी AC वेंट आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ पे भी आपको लाइट नज़र आ जाएगी। इसके अलावा वहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है, यहाँ पे एक इमरजेंसी एग्जिट भी दी गई है। अब मैं ज़रा इस बस में अगर आगे बढ़ूँ, आप देख सकते हो मेरी हाइट मैंने आपको बताया 5'11" के करीब है, मेरे जैसा बंदा आराम से यहाँ पे खड़ा है और कोई मेरा सिर नहीं टकरा रहा। बच्चे तो और छोटे होते हैं तो बहुत ही आराम से वो मतलब तरीके से चल सकते हैं, घूम सकते हैं इधर उधर बस में। एक फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ दिया हुआ है, इसके अलावा एक फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ दिया हुआ है। एक और चीज़ जो बस में बढ़िया है वो है FAPS, फायर अलार्म प्रोटेक्शन सिस्टम। कभी भी कोई दुर्घटना की स्थिति में कुछ आग लगती है तो यहाँ पे फायर अलार्म के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से सुविधा रखी हुई है, पानी की फुहारें बिल्कुल बस को बचाएंगी। इमरजेंसी एग्जिट आप देख सकते हैं, लगभग हर खिड़की पे लिखा हुआ है इमरजेंसी एग्जिट। यहाँ हथौड़े का वो दिया हुआ है, सेफ्टी हैमर जिसे कहते हैं, तोड़ के आराम से बच्चा निकल सकता है। इसके अलावा जो मैं जब भी किसी बस में आता हूँ तो मैं उसकी स्लिपिंग देखता हूँ कि कोई स्लिप होने का क्या कोई चांस है। अभी बारिश हुई है, मेरे जूते गीले हैं, मेरी जो स्लिप, मैं बिल्कुल स्लिप नहीं हो रहा, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल एंटी स्लिप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा गया है जो बहुत शानदार है। अब मेरे जैसा बंदा 5'11" का, अब अगर मैं यहाँ बैठूँ तो क्या मैं बैठ पाऊँगा, अभी टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए मैं बिल्कुल आराम से बैठा हुआ हूँ। और एक और बात इस बस की जो खास है वो क्या है कि सेमी रिक्लाइन सीट्स के साथ ये बस मिलती है, 28+1 की कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये बस हमें मिलती है। काफ़ी शानदार, काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी प्रीमियमनेस के साथ, काफ़ी पावर के साथ ये बस बनाई गई है। अब हम धीरे धीरे अगर आगे चलें तो यूटिलिटी स्पेस इस बस में भी भर भर के दी हुई है। सबसे बढ़िया देखिए, अगर मैं यहाँ आऊँ मेरा पूरा हाथ अंदर चला गया, अभी भी मैंने टच नहीं करा है पूरा, लेकिन इतनी बहुत ही शानदार तरीके से स्पेसिंग दी गई है, बहुत ही बढ़िया तरीके से सामान आ सकता है, नीचे भी आपका सामान आ सकता है और ऊपर भी आपका सामान आ सकता है। हर सीट के नीचे लाइट और एयर वेंट्स, AC के वेंट दिए हुए हैं, ये बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि ये AC बस है। और जैसे मैंने शुरुआत में बताया, प्रीमियमनेस और पावर के साथ ये बस हमें देखने को मिलती है। यूटिलिटी स्पेस यहाँ पे भी दे रखा है, फायर अलार्म सिस्टम है, इसके अलावा यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट भी दी हुई है, और यहाँ पर हैमर रखा हुआ है, सेफ्टी हैमर, तोड़ के आप आराम से निकल सकते हैं। स्पेसिंग इस बस में भर भर के दी गई है। अब अगर मैं इस बस की
और फीचर्स के बारे में बताऊं तो ये बस जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टाफ के लिए भी मौजूद है, लेकिन अभी ये पीले रंग की बस है, यानी ये स्कूल बस है। अब इस बस के और फीचर्स की बात करूँ तो इस बस में फीचर से तो लैस है, यहाँ पे आपको पीछे फर्स्ट एड बॉक्स भी नज़र आ जाएगा, इसके अलावा आपको LED डिस्प्ले भी नज़र आएगा पीछे। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आपको तमाम तरीके की ना बढ़िया तरीके से आपका ध्यान रखा गया है कि इसमें प्रीमियमनेस भी दी जाए और पावर भी दी जाए। फिर से बोल रहा हूँ, 315 Nm का टॉर्क और 107 BHP की पावर। इसके अलावा इंजन और ट्रांसमिशन पर SML 5 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी देता है। व्हीकल और डिफरेंशियल पर 2 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी देता है। वहीं बस की बॉडी पर 2 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी SML देता है। अभी भी मेरा मानना है प्रीमियमनेस और पावर के साथ ये बस कमाल की है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से और मेरे कैमरा पर्सन गोविंद की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।